अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश का पैराग्राफ नंबर 7 करने जा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 7 है, सिंस दिस बिलीफ, सिंस चूँकि दिस बिलीफ ये अकीदा वाज थ्रेटनिंग, ख़तरा पैदा कर रहा था, देयर डोमिनेंस, उनके तसल्लुत के लिए इन दी सोसाइटी, मुआशरे में, क्योंकि ये अकीदा मुआशरे में उनके तसल्लुत के लिए ख़तरा पैदा कर रहा था, द पैगन अरब्स कुफारे अरब ने स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू माउंट बढ़ाना, प्रेशर दबाव, ऑन दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, और आपके पैरोकारों पर। कुफारे अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अकीदा मुआशरे में उनके तसल्लुत के लिए ख़तरा पैदा कर रहा था। कुफारे अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, दे वांटेड चाहते थे कि आप टू रिनाउंस, दस्तबरदार हो जाएं, देयर काज, अपने मकसद से, या काज के मीनिंग जो है वो नस्बुल एन के भी हो सकते हैं। वो चाहते थे कि आप अपने नस्बुल एन से दस्तबरदार हो जाएं, एंड टेक, और इख्तियार कर लें, टू आइडल वर्शिपिंग, बुत परस्ती। वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद से या अपने नस्बुल एन से बास आ जाएं और बुत परस्ती इख्तियार कर लें। नेक्स्ट है, ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट, उन्होंने भेजा, अ डेलीगेशन, एक वफ्द को, वफ्द ग्रोह को, एक वफ्द को, टू द रसूल्स, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के काइंड एंड केयरिंग अंकल, काइंड मेहरबान, एंड केयरिंग, केयर के मीनिंग वैसे ख्याल रखना वो भी हो सकते हैं, ख्याल रखने वाले, एंड केयरिंग, और शफीक के मीनिंग भी हो सकते हैं, मेहरबान और शफीक, अंकल, चचा, अबू तालिब के पास, एक मौका पर उन्होंने एक वफ्द को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास भेजा। नेक्स्ट, दे टोल्ड हिम, उन्होंने आपसे कहा टू रेस्ट्रेन, बात रखें, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्राम प्रीचिंग, तबलीग से, अल्लाह आलमाइटीज, अल्लाह ताला के मैसेज, पैगाम के। उन्होंने आपसे कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से बाज रखें। आर फेस या सामना करें, देयर एनमिटी, उनकी दुश्मनी का, ये एनमिटी की दूसरे मीनिंग हो सकते हैं, अदावत, या उनकी अदावत का सामना करें। तो उन्होंने आपसे कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से बाज रखें, या हमारी दुश्मनी का या अदावत का सामना करें। फाइंडिंग पाकर हिमसेल्फ, अपने आप को, इन आर डायलेमा, पेचीदा सूरत हाल, या सख्त मुश्किल में, ये भी हो सकता है, अपने आप को पेचीदा सूरत हाल में पाकर, ही सेंट फॉर हिज नेफियो, आपने अपने भतीजा को बुला भेजा, एंड एक्सप्लेन्ड, और वजाहत की, टू हिम, आपको,
और आप पर वजाहत की दी सिचुएशन सूरत हाल की और आप पर सूरत हाल की वजाहत की। अपने आप को या खुद को पेचीदा सूरत हाल में पाकर आपने अपने भतीजा को बुला भेजा और आपको और आप पर सूरत हाल की वजाहत की। दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्पॉन्डेड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया विद कैसा दीज इन मेमोरेबल वर्ड्स, यादगार अल्फाज में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। कौन से यादगार अल्फाज थे देखेंगे यहाँ पे अभी नेक्स्ट। माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ दे पुट, अगर वो रख दें दि सन सूरज को इन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ पर। मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर, एंड द मून, और चांद को इन माई लेफ्ट, मेरे बाएं हाथ पर। इवन देन, हत्ता के फिर भी, आई शैल नॉट अबैंडन, मैं तर्क नहीं करूँगा दे प्रोक्लेमेशन, बाज़ाब्ता ऐलान को, आप दी वननेस, वहदानियत के, आप अल्लाह अल्लाह की। हत्ता के फिर भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत के बाज़ाब्ता ऐलान को तर्क नहीं करूँगा। दोबारा इसकी ट्रांसलेशन देखिएगा, मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर और चांद को मेरे बाएं हाथ पर रख दें, हत्ता के फिर भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत के बाज़ाब्ता ऐलान को तर्क नहीं करूँगा। आई शैल सेट अप, मैं कायम करूँगा, सेट अप कायम करना, आई शैल सेट अप, मैं कायम करूँगा द ट्रू फेथ, अकीदा बरहक, मैं अकीदा बरहक कायम करूँगा, अपान दी अर्थ, ज़मीन पर, मैं ज़मीन पर अकीदा बरहक कायम करूँगा, आर पेरिश, या तबाह हो जाऊँगा, इन दी अटैम्प्ट, इस कोशिश में, या इस कोशिश में तबाह हो जाऊँगा। मैं ज़मीन पर अकीदा बरहक कायम करूँगा या इस कोशिश में तबाह हो जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 9th क्लास की इंग्लिश का यूनिट 1 का पैराग्राफ नंबर 7 किया है, जो कि आपने तैयार करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।